दोस्तों, इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या कुछ हुआ, आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। हाँ दोस्तों, कैसे भैंसूलाल ब्रॉन्सन ग्रीट ने रोमन रेंज की कर दी कुटाई, हर चीज इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और कैसे हमारे शिंस के नाकामुरा रिटर्न आए और उन्होंने दिया एक स्लैप। सबसे पहले तो अमेरिकन नाइटमेयर रिंग के अंदर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें चाहिए हैं केविन ओवंस, केविन ने कैसे मारा है रैंडी ओर्टन को और मेरे दोस्त रैंडी को कैसे इंजर्ड किया है। सेकेंडली, WWE की ट्रेंडिंग बेली ने एक विमेंस क्वालिफाइंग मैच में कंप्लीट किया है और इस मैच को बहुत शानदार तरीके से डिलीवर किया था और मैच के अंदर हमें बहुत सारे OG मोमेंट्स देखने के लिए मिले। बट फाइनली लास्ट में बेली ने अपना एक मूव लगाया और उन्होंने इस मैच को बहुत तगड़ी तरीके से जीता। दिस इज रियली गुड। मेरे दोस्त LA नाइट्स यानी हेल या ने इस बार कंप्लीट किया है सांतोस एस्कोबार की एक टीम के साथ और जो कुटाई LA नाइट्स की कर उन्हें हराया गया है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप से बाहर निकाल कर। लेकिन इन सब के बीच होनी थी एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज। वो चीज ये हुई कि जब LA नाइट्स अपना जश्न बना रहे थे तो उतने में ही आ गए शिंसके पीछे से। अब शिंसके ने मदद की है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते मेरे दोस्त। बाकी इतना कहना पड़ेगा मेरे दोस्त, सोलो सिकोवा आज बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि जब रोमन रेंस सोलो सिकोवा से सवाल पूछने के लिए आए अपनी ओरिजिनल ब्लड लाइन के साथ, तो मुझे लगता है कि सोलो ने जो रोमन की कुटाई की है भाई, उसके बीच ही में आ गए हमारे पहले तो लल्लू लाल सैमी जेन और उसके बाद जब रोमन सबकी कुटाई कर रहे थे तो फिर जेकब फाटू ने रोमन को दिए और उसके बाद हमारे भैंसूलाल ब्रॉन्सन ग्रीट ने कुटाई करी। तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।